सिक्योरिटी फोल्डर दे रखा है, गर्लफ्रेंड की फोटो छुपा सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मुझसे पूछो तो मैं बिल्कुल भी अच्छी रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी। और गाइस प्लीज़ इग्नोर द वॉइस, क्योंकि बहुत बीमार थी मैं, इसलिए मैं वीडियोज़ भी नहीं डाल पा रही थी। फिलहाल आज आती हूँ आज के एक नए फ़ोन पे जो कि मैं लेकर आई हूँ, मोटोरोला H50 फ्यूजन। मोटोरोला ने बहुत ही अच्छा फ़ोन लॉन्च किया हुआ है, मतलब इस बजट में बहुत तगड़ा फ़ोन है। मैं आपको सारे इसके स्पेसिफिकेशंस बता देती हूँ, उससे पहले मैं आपको ये बता। और गाइस प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इतना बीमार होके भी आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा फोन दिखने में कैसा है पहले, ठीक है गाइस। हमारा फोन जो है ना वो बहुत ही स्लिम है, और उसका बैक जो है वो वेगन लेदर का है। बहुत ही प्यारा सा फोन है और काफ़ी लाइट वेट होने वाला है हमारा ये फ़ोन। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे फ़ोन के बॉक्स में आपको क्या क्या मिल जाता है अगर आप ये फ़ोन खरीदते हैं। तो हमें मिल जाता है हैंडसेट, 68 वॉट का चार्जर, USB केबल और सिम इजेक्टर टूल, और हमारी बहुत सारी किताबें जो हम नहीं पढ़ने वाले हैं। और हमें मिलता है एक प्रोटेक्टिव केस भी, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यार हमें दूसरा केस नहीं खरीदना पड़ेगा। गाइस सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि हमें क्या क्या बॉक्स में मिलना है। अब फटाक से हम आ जाते हैं अपने फोन पे। तो गाइस अब हम आ जाते हैं इसके डिस्प्ले पे। तो हमें डिस्प्ले में मिल रहा है 6.67 इंचेस का 144 हर्ट्ज फुल HDR OLED एंडलेस एच डिस्प्ले। इसका मतलब ये है कि हमें बहुत ही प्यारा फोन मिलने वाला है, बहुत ही अच्छे डिस्प्ले के साथ में। 144 हर्ट्ज का इस प्राइस पे नहीं मिलता है, क्योंकि ये महंगे फ़ोनों में आता है और हमें इस प्राइस पे मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। और मैं आपको और भी चीज़ें बता देती हूँ। OLED डिस्प्ले जो है ना, वो कह सकती हूँ कि बहुत ही ब्राइट पिक्चर्स मिलेंगे हमें इसमें, बहुत ही ब्राइट सा है, बहुत अच्छा है। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको इसकी पीक ब्राइटनेस बताती हूँ, जो कि है 1600 निट्स की। हमें मिल जाता है स्क्रीन प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास V5 का। बात कर लूँ तो इसके वेट की, तो 175 ग्राम्स वेट है। इस प्राइस में अगर मैं बात करूँ तो वेट हमारा ज़्यादातर फोन्स का बहुत, मतलब 5-6 ग्राम ऊपर ही होता है, लेकिन इसका वेट जो है ना वो 175 ग्राम है, तो ये काफ़ी लाइट वेट होने वाला है हमारा फ़ोन। आ जाते हैं हम अपने कैमरा पे, और मैं कैमरे की बात करूँ तो ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है हमारे फ़ोन में, क्योंकि मतलब इसके बिना कुछ भी बेकार ही फ़ोन। तो क्या है ना कि इन्होंने दो कैमरा दे रखा हुआ है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दे रखा हुआ है, और उस कैमरे में सोनी लाइटिया 700C का सेंसर यूज़ किया गया है। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सोनी के जो कैमराज होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, हमेशा उनके कैमराज बहुत ही बेस्ट माने जाते हैं। सोनी के सेंसर्स हमेशा इम्प्रेसिव होते हैं, बहुत ही बेस्ट माने जाते हैं। बात करूं अगर मैं अपने सेकेंडरी कैमरा की, तो 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे रखा है 130 डिग्री। और अब मैं आ जाती हूँ, आपको ये बता देती हूँ कि इसमें OIS है या नहीं है। तो बिल्कुल इसमें आपको OIS मिल जाता है, जिससे आपकी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और वीडियो शूट कर रहे हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है और बहुत ही अच्छा वीडियो हमारा शूट होता है, स्पेशली फॉर व्लॉगर्स, फॉर वीडियो मेकर्स। बहुत ही अच्छा ये मतलब फीचर मुझे लगता है। और इन्होंने हमें ड्यूअल कैप्चर भी दे रखा हुआ है, जो मैंने बाकी फोन्स में बताया हुआ है, लेकिन इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स इन्होंने ऐड ऑन किए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मोड्स इन्होंने ऐड ऑन किए हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, इन्होंने स्पॉट कलर एक मोड ऐड ऑन कर रखा हुआ है। इसमें क्या है कि अगर आप कोई भी पिक्चर लेते हो तो आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का ही कलर चाहते हो, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट चाहते हो, तो आपको वैसा पिक्चर मिल जाएगा। मैं पिक्चर यहाँ पर लगा रही हूँ, बिल्कुल आप ऐसी पिक्चर इससे क्लिक कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगा, मतलब जो लोग फोटोग्राफी करते हैं और सपोज वो मतलब स्टार्टिंग बेस है, नहीं ले सकते यार कैमरा वगैरह, तो आप मतलब इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे मोड्स मिल जाते हैं वीडियोग्राफी के लिए, वीडियो शूट के लिए, फोटो शूट्स के लिए, बहुत अच्छे फीचर्स दे रखे हैं इन्होंने। बाकी मैं आपको बता देती हूँ इसमें कौन कौन से मोड दे रखे हुए हैं। इसमें नाइट मोड है, प्रो मोड है,
लाइव फिल्टर है, डिजिटल जूम है, एटेक्स का ऑटो स्माइल कैप्चर भी दे रखा हुआ है इन्होंने, तो इन्होंने काफी सारे फीचर्स दे रखे हुए हैं। आ जाते हैं हम अपने फ्रंट कैमरा पे, तो फ्रंट कैमरा जो इन्होंने दे रखा हुआ है वो 32 मेगापिक्सल का है। और गाइज इसमें इन्होंने बोला फ्रंट और बैक से दोनों से ही हम 4K विद 30 FPS से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सिंगल LED फ्लैश मिल जाती है हमें। अब हम आते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में आपको बता देती हूँ। प्रोसेसर की बात करूं अगर तो स्नैपड्रैगन 7S जनरेशन 2 ऑक्टाकोर प्रोसेसर इन्होंने यूज किया हुआ है। गाइज इस प्राइस पे मैं कह सकती हूँ बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, और जैसे कि इनका जो डिस्प्ले है, जो प्रोसेसर है और भी फीचर्स जो है वो इस प्राइस पे एक बहुत ही अच्छा पैकेज दे रहे हैं, क्योंकि बाकी फोन्स में ये सारी चीजें एक साथ नहीं मिलती। या तो उसका कैमरा नहीं सही होता है, या तो उसकी बैटरी नहीं सही होती है, या तो कुछ ना कुछ होता ही होता है जो हमें सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है। लेकिन इन्होंने जो इस बजट में बनाया है, मोटोरोला क्या है ना यार, पिछले 2 सालों में उसने काफी इम्प्रूव किया हुआ है। ये फ्यूजन सीरीज जो आई है मुझे काफी अच्छी लगी, क्योंकि इस बजट में चीजें नहीं मिलती है यार, इतनी इजिली नहीं मिल पाती है इस बजट में, इसलिए मुझे काफी सही लगा। बात कर लूं अगर मैं इसके OS की, तो हेलो UI बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 हमारा है। 3 ईयर्स का हमें OS अपडेट मिल जाता है, प्लस हमें 4 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट भी ये लोग दे रहे हैं। NFC भी इन लोगों ने प्रोवाइड करा रखा है। गाइस हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं मिलता है, बल्कि हमें डुअल सिम स्लॉट मिलता है, अलग अलग हम दो डाल सकते हैं सिम इसमें। और ग्राफिक्स एड्रेनो 710 है। गाइस हमें काफी सारे सेंसर्स भी मिलते हैं, 3.5G बैंड, ब्लूटूथ 5.2, वाईफाई 6, UFS 2.2। हाँ यार एक चीज लगी कि UFS में ये लोग 3.2 समथिंग दे सकते थे, लेकिन उन्होंने 2.2 दिया है, उससे क्या होता है कि मतलब थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था, लेकिन ठीक है यार ये भी सही। बात कर लेते हैं इसकी रैम की, तो LPDDR4X इन्होंने रैम यूज करी हुई है। बात करूं अगर मैं इसके स्पीकर्स की, तो डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर्स इन्होंने स्टीरियो स्पीकर्स यूज कर रखे हुए हैं, और गाइस साउंड लिटरली बहुत अच्छी है। ऑडियो जैक हमारा टाइप सी दे रखा हुआ है, एक्सपेंडेबल मेमोरी हमारी नहीं दे रखी हुई है। फिंगरप्रिंट सेंसर हमें ऑन स्क्रीन मिल जाता है। गाइस बात कर लूं अगर मैं बैटरी की, तो 5000 mAh की हमें बैटरी मिल जाती है। क्विक चार्जिंग के साथ टर्बो पावर 68 W की चार्जिंग मिल जाती है हमें। टाइप सी केबल मिल रहा है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, दोनों तरफ टाइप सी होने वाला है। गाइस बात कर लेते हैं हम अपने फोन की, कि क्या ये फोन हमारा वाटरप्रूफ होने वाला है या नहीं है, क्या हम इसे स्विमिंग पूल में लेके कूद सकते हैं या नहीं। तो गाइस बिल्कुल हाँ, इसकी रेटिंग है IP68 और ये हमारा अंडर वाटर प्रोटेक्शन दे रखा है इन्होंने, प्लस डस्ट प्रूफ भी दे रखा है इन्होंने। तो भाई अपना अपना फोन लो और पहुंच जाओ वाटर पार्क में, गर्मी में मजे करो जाके। मुझे जुकाम हो रखा है तो मैं जा नहीं सकती हूँ अभी। गाइज मैं आपको मोटो के कुछ अलग फीचर्स बता देती हूँ, यूनिक फीचर्स। जैसे कि सपोज ये हमारा फोन है और हम इसको ऐसे डबल ट्विस्ट करते हैं तो हमारा कैमरा ओपन हो जाता है ना, ये हमारा एक बहुत अच्छा मुझे फीचर लगता है। भाई आपको जाके उसमें ओपन नहीं करना, ढूंढ ढांढ के कुछ नहीं करना, आपने 2 बार ट्विस्ट किया और हमारा कैमरा ओपन हो गया। नेक्स्ट फीचर मैं आपको बता देती हूँ, अगर अपना फोन ऐसे करेंगे तो हमारा फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा हमारे फोन का, तो ये फीचर भी मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि फिर भाई रात हो रही है या अचानक से लाइट चली गई तो हम जाके अपने फोन में खोज भी नहीं कर रहे, हम फोन ऐसे कर रहे हैं और हमारी फ्लैश लाइट ऑन हो जा रही है, तो मुझे काफी अच्छे फीचर लगे। बाकी आपको पता ही है 3 फिंगर स्वाइप्स होता है, तो वो बहुत अच्छा फीचर है। बाकी सारे फीचर्स मुझे काफी अच्छे लगे। गाइस आपको मैं एक और यूनिक फीचर बताती हूँ मोटो का, जो कि उन्होंने दे रखा हुआ है खुद का सिक्योरिटी फोल्डर। भाई आप फोटोज छुपा के रख सकते हो, जो भी छुपाना है अपने अपने सिक्योरिटी फोल्डर में जाओ, मोटो ने खुद दे रखा हुआ है। काफी अच्छा फीचर कि मोटो ने एक दे रखा हुआ है मोटो कनेक्ट, जो कि आप अपने टीवी अपने लैपटॉप से बहुत ही इजिली आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और एक फीचर और इन्होंने दे रखा हुआ है, काफी अच्छा लगा मुझे वो फीचर, फैमिली स्पेस। समझ रहे हो भाई, फोन फैमिली स्पेस पर लगा किसी को दे दो, कुछ नहीं लीक होना यार, कुछ भी, प्राइवेसी के मामले में बहुत अच्छा काम किया है। आ जाते हैं हम अपने गेम मोड पे, कि क्या हम इस पे गेम खेल सकते हैं या नहीं। भाई कोई भी फोन हो BGMI एडजस्ट करता तो बनता है, तो हम बात कर लेते हैं गेम मोड की। जी हाँ इसमें भी हमें गेम मोड मिल जाता है प्रॉपर लाइटिंग वाइटिंग्स के साथ, अगर हम बैलेंस में खेल रहे, कोई लैग नहीं करना है, नो फ्रेम ड्रॉप, नो लैग,
स्मूथ रन करेगा, बहुत अच्छी कहते गजब वाइब देगा यार। मतलब यूज करो यार मजे में, बिल्कुल गेमिंग वगैरह के लिए जबरदस्त फोन है, जबरदस्त। लाइटिंग वाइटिंग आएंगी, मजा आएगी खेलने में ना। गाइस फोन्स में होता नहीं है कि रोटेशन वाला ऑन ऑफ वाला सिस्टम, फिर भी वो वर्क नहीं करता होता अच्छे से। मोटो ने दे रखा हुआ 360 डिग्री फोन घुमा दो, स्क्रीन नहीं घूमने वाली है। मुझे काफी सही लगा भाई ये फीचर। लेट के वीडियो देख रहे हो मजे में, कुछ नहीं होना है, दिक्कत बेड के ऊपर बेड के नीचे दोनों चल जाएगा, बढ़िया। सब कुछ बता दिया है, बात कर लेती हूँ इसके कलर्स की। भाई तीन कलर लॉन्च किए, तीनों जबरदस्त कलर है, बिल्कुल अपने अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं आप लोग। पहला कलर है हमारा फॉरेस्ट ब्लू, दूसरा है हॉट पिंक, तीसरा है हमारा मार्शमेलो ब्लू। भाई तीनों ही कलर बहुत जबरदस्त है, लड़कियां स्पेशली चाहें तो पिंक ले सकती हैं अगर पसंद हो तो। खैर मुझे तो इतना कुछ खास नहीं, आई लव ब्लैक। आ जाती हूँ वेरिएंट के बारे में, आपको बता देती हूँ कि दो वेरिएंट में हमारा ये फोन आया है। और जो हमारा पहला वेरिएंट है वो है 8GB रैम विद 128GB स्टोरेज, और दूसरा हमारा वेरिएंट 12GB रैम विद 256GB स्टोरेज। हमारा ये जो 8GB रैम वाला है वो 22,999 का है, और जो हमारा ये 12GB वाला है वो 24,999 है। प्लस अगर आप इस पे क्रेडिट कार्ड वगैरह लगाते हैं, ICICI का लगाते हैं, तो ये आपको कुछ 21,000 अप्रॉक्स का पड़ जाएगा, और इसमें भी आपको ऑफर्स मिल जाएंगे, तो ये भी कम रेट का हो जाएगा। यार इस बजट में ना काफी अच्छा फोन है, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, मोटो बहुत अच्छे फोन लॉन्च कर रहा है। मेरी तरफ से थम्स अप है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जिसने भी अगर अंडर 15,000 की वीडियो नहीं देखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जाके जरूर देखिए, क्योंकि मैंने उसमें 5 बेस्ट फोन्स बताए हैं अंडर 15,000 बजट में। तो अगर किसी को अंडर 15,000 लेना है तो वो जाके ले सकता है, उसमें से बहुत अच्छे फोन्स हैं। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।